अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। जीनोम रिप्रेजेंट करता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की बेस पर हम जो है वो वायरस की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हम बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिनबोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, जीनोम के तहत जेनेटिक मटेरियल, और ये बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। डेविड बेल्टीमोर इन 1971 अ नोबेल प्राइज विनिंग वायरोलॉजिस्ट classified virus in 7 different groups on the basis of their genomic constitution, on the basis of his classification. Virus are classified into 3 types. David Baltimore, जिसने 1971 में जो है classification पेश की, और याद रखिएगा ये Nobel Prize winning जो है वो virologist है, जिसने virus को 7 different जो है वो sub classes के अंदर जाकर जो है वो divide किया है genetic constitution की base पर। अब उसकी क्लासिफिकेशन में तीन जो है अगर हम बात करें वायरस की मेजर कैटेगरी हैं, फिर इनकी अगर सब क्लासिफिकेशन मिला लो तो टोटल 7 डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं। तो तीन ग्रुप को अगर हम मजीद तोड़ते हैं तो टोटल 7 ग्रुप बन जाते हैं। तो तीन टाइप्स हैं वो क्या है, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस। डीएनए वायरस के पास डीएनए होगा, आरएनए वाले के पास जो है वो आरएनए वायरस होगा, और रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस जो है उनके पास जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस जो है वो एंजाइम होता है। ये क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है, डीएनए वायरस जो है उनके पास क्या, दीस वायरस हैव डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए होता है, एज देयर जीनोम जेनेटिक मटेरियल के तौर पर इनके पास क्या होता है, डीएनए होता है। एंड फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, दो हिस्सों में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहली क्लास है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। नाम से ही पता चल रहा है इनका जो डीएनए होगा वो डबल स्ट्रैंडेड होगा, इनका डीएनए जो होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। दियर डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड व्हिच सिंथेसाइज मैसेंजर आरएनए बाय यूजिंग होस्ट सेल एंजाइम। इनका जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, जो मैसेंजर आरएनए जो है वो क्या करता है, मैसेंजर आरएनए का काम होता है प्रोटीन बनाना ना। तो क्योंकि अगर वायरस जब सेल के ऊपर हमला करता है तो वायरस को अपने जैसा प्रोटीन बनाना होता है ना, तो इसलिए इसको मैसेंजर आरएनए बनाने की जरूरत होती है। तो हमने कहा दियर डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, इनका डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, जो मैसेंजर आरएनए बनाता है बाय यूजिंग होस्ट सेल एंजाइम। होस्ट सेल जिस सेल के ऊपर वो हमला करता है उसके एंजाइम का इस्तेमाल करता है इन द होस्ट सेल न्यूक्लियस। होस्ट सेल यानी जिसके ऊपर हमला कर रहा है उसके न्यूक्लियस में जाकर उसके एंजाइम का इस्तेमाल करके मैसेंजर आरएनए बनाता है। सम ऑफ देम मे कॉज कैंसर बट नो वन नोन टू इन्फेक्ट अ प्लांट। इनमें से कुछ ऐसे वायरस भी है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस कुछ ऐसे हैं जो कैंसर भी कॉज कर सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जो प्लांट को नुकसान पहुंचाता हो। एग्जांपल है हर्पीस वायरस। हर्पीस वायरस जो है वो इंसानों के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस की एग्जांपल है। सिंगल स्ट्रैंडेड, दे हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इनका डीएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। दे बिकम डबल स्ट्रैंडेड इन होस्ट सेल, ये खुद जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं लेकिन होस्ट सेल के अंदर जाकर डबल स्ट्रैंडेड हो जाते हैं। एंड देन सिंथेसाइज मैसेंजर आरएनए, पहले डबल स्ट्रैंडेड बन जाते हैं फिर मैसेंजर आरएनए बनाते हैं। आफ्टर दैट न्यू प्रोजेनी अगेन हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। भाई देखो इनका डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन जैसे ही ये होस्ट सेल के ऊपर हमला कर देते हैं ना, तो हमला करने के बाद इनका डीएनए क्या हो जाता है, डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है, और डबल स्ट्रैंडेड होने के बाद मैसेंजर आरएनए बनाते हैं ताकि प्रोटीन बना सकें, और फिर इनकी जो नई नस्ल आती है वो दोबारा से क्या होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होती है। और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, पार्वो वायरस जो है वो क्या है, इसकी एग्जाम्पल है। अब दूसरी कैटेगरी हमारे पास जो आ गई वो है आरएनए वायरस। क्या है, अब आ गई आरएनए वायरस, नाम से ही पता चला। दीस वायरस हैव राइबोन्यूक्लिक एसिड एज देयर जीनोम। इनके पास जो है वो आरएनए होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए। डीएनए वाले के पास डीएनए था, आरएनए वाले के पास आरएनए था। फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप, तीन ग्रुप के अंदर जाकर क्या है, डिवाइड करते हैं। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, भाई आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ना, डीएनए और आरएनए के दरमियान हम डिफरेंस पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ वायरसेस को ऐसा बनाया है कि उनका आरएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। दे हैव डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इन देयर जीनोम, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें आरएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड। दे प्रिपेयर सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बाय यूजिंग सेल एंजाइम, भाई अपना प्रोटीन बनाने के लिए मैसेंजर आरएनए बनाना होता है,
तो मैसेंजर आरएनए जो बनाते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, लेकिन इनका जो अपना आरएनए होता है वो क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। एग्जांपल हमारे पास आ जाता है रियो वायरसेस। अब जो है हमारे पास जो है सिंगल स्ट्रैंडेड जो है भाई, डबल स्ट्रैंडेड वाले जो था, देखो एक था डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड यानी डबल चेन, ये भी मैं आपको थोड़ा बता दूं ना भाई। सिंगल स्ट्रैंडेड एक धागे की तरह होगा, डबल स्ट्रैंडेड जो होगा वो डबल धागे की तरह होगा, जो डीएनए और आरएनए के दरमियान हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं। पॉजिटिव, अब हम बात करने जा रहे हैं पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड को 200 में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। अब पॉजिटिव क्या है, दे हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज देयर जीनोम, यानी उनका जेनेटिक मटेरियल के तौर पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। पॉजिटिव सेंस का जो वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव सेंस मींस दैट देयर आरएनए फंक्शन एज मैसेंजर आरएनए एंड डायरेक्टली ट्रांसलेटेड बाय होस्ट सेल। इनका जो आरएनए होता है ना, वो डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए के तौर पर काम करता है, उसको मैसेंजर आरएनए बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, मैसेंजर आरएनए। तो इनका जो अपना ही आरएनए है वो सेल के अंदर दाखिल होकर मैसेंजर आरएनए के तौर पर काम करता है एंड ट्रांसलेटेड बाय होस्ट सेल, यानी प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल है कोरोना वायरस, डेंगू वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, तीनों मोस्ट कॉमन है। इनके एग्जाम्पल अच्छे से याद रखें। नेगेटिव सेंस में क्या हो गया, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, दे हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज देयर जीनोम, इनका जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। व्हेन दे एंटर द होस्ट सेल दे प्रिपेयर मैसेंजर आरएनए फ्रॉम देयर आरएनए इन द होस्ट सेल फॉर ट्रांसलेशन। पॉजिटिव सेंस वाले का क्या था, उसको मैसेंजर आरएनए बनाने की जरूरत नहीं थी, सेल के अंदर दाखिल होकर वो मैसेंजर आरएनए की तरह काम कर रहा था। जबकि नेगेटिव सेंस वाले को क्या करना पड़ता है, व्हेन दे एंटर द होस्ट सेल में दाखिल होते हैं, दे प्रिपेयर मैसेंजर आरएनए, इनको मैसेंजर आरएनए बनाना पड़ता है फ्रॉम देयर आरएनए, अपने आरएनए की मदद से वो मैसेंजर आरएनए बनाते हैं इन द होस्ट सेल फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन बनाने के लिए वो मैसेंजर आरएनए इनको बनाना पड़ता है। जबकि पॉजिटिव सेंस वालों को बनाने की जरूरत नहीं है, उनका अपना ही आरएनए जो होता है वो मैसेंजर आरएनए की तरह काम करता है, जबकि नेगेटिव सेंस वाले का जो है वो उनको मैसेंजर आरएनए बनाना पड़ता है अपने आरएनए की मदद से। एग्जांपल है रेप्डो वायरस, एग्जांपल है पैरामिक्सो वायरस, जो कि नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की एग्जांपल है। अब तीसरी कैटेगरी आ गई रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। भाई वो प्रोसेस जिसमें डीएनए को आरएनए की मदद से बनाया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है, गौर से सुनिएगा, ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए की मदद से आरएनए बनता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, आरएनए की मदद से क्या बनता है, डीएनए बनता है। अच्छे से याद रख लो भाई, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए की मदद से आरएनए बनता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो है वो आरएनए की मदद से क्या बनता है, डीएनए बनता है। तो हमने कहा द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दिस ग्रुप ऑफ वायरस आर फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलो। इनको 200 में हमने जो है वो क्या किया है, क्लासिफाई किया है। तो हमारे पास आ जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस विद डीएनए इंटरमीडिएट। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, जबकि डीएनए जो है वो इंटरमीडिएट के तौर पर, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल के तौर पर काम करता है। दे हैव सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए, इनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए होता है, यानी वो मैसेंजर आरएनए की तरह काम करेगा। एट फर्स्ट डियर आरएनए फॉर्म आर डीएनए, इनका जो आरएनए होता है वो सबसे पहले क्या करता है, डीएनए बनाता है बाय यूजिंग एन एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनसाइड द होस्ट। फर्क सिर्फ ये था, बाकी जो दूसरे पॉजिटिव सेंस वाले आरएनए थे ना, वो अंदर जाकर डीएनए नहीं बनाते, लेकिन ये क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, एट फर्स्ट देयर आरएनए फॉर्म अ डीएनए, इनका आरएनए जो होता है वो डीएनए बनाता है बाय यूजिंग एन एंजाइम, एक एंजाइम का इस्तेमाल, उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एग्जाम्पल है रेट्रोवायरस सच एज एचआईवी जो है वो रेट्रोवायरस है, और ये एड्स की बीमारी कॉज करते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस विद एन आरएनए इंटरमीडिएट, इसमें इंटरमीडिएट के तौर पर क्या था, इसमें इंटरमीडिएट के तौर पर जो था, गौर से सुनिएगा, इसमें इंटरमीडिएट के तौर पर डीएनए था ना, अब यहाँ इंटरमीडिएट के तौर पर क्या होगा, आरएनए। देयर जीनोम इज डीएनए विच फॉर्म आरएनए ड्यूरिंग इट्स रेप्लिकेशन साइकिल, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, लेकिन होस्ट के अंदर जाकर वो क्या करेगा, आरएनए बनाएगा अपनी रेप्लिकेशन साइकिल के दौरान। दैट आरएनए इज देन यूज फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू रेप्लीकेट दियर जीनोम इनसाइड द कैप्सूल, और ये जो आरएनए होगा वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल होगा। देखो इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, वो आरएनए बना देंगे,
अपनी रेप्लिकेशन साइकिल के तौर पर, और इनका आरएनए जो होगा वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल होगा। इनका जो आरएनए होगा वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में, यानी आरएनए दोबारा डीएनए बनाएगा टू रेप्लिकेट दियर जीनोम इनसाइड द कैप्सिड, और कैप्सिड के अंदर जो है ये आरएनए, देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब यही है ना कि आरएनए की मदद से डीएनए बने। तो भाई इनका जेनेटिक मटेरियल जो था वो डीएनए था, उसने आरएनए बनाया, जो आरएनए बनाया उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए दोबारा डीएनए बनाया और नई जनरेशन क्या की, प्रोड्यूस की। एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाता है, हेपेटाइटिस बी वायरस। तो यहाँ जाकर वायरस की क्लासिफिकेशन हमने मुकम्मल की ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल या ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।